गाइज आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कुछ इस तरीके से येलो टोन में फोटो को एडिटिंग करना लाइट मैप का यूज करके। गाइज लाइट मैप का यूज करके ओनली 3 स्टेप में कुछ इस तरीके से फोटो को एडिटिंग कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान होता है लाइट से फोटो एडिटिंग करना। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो जो है फुल HD क्वालिटी में एडिट हुई है, ठीक है। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से फोटो को एडिटिंग करना सीखना है एंड फुल HD क्वालिटी में एडिटिंग करना है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। वीडियो के एंड में पक्का है ना कि आप भी अपने फोटो को कुछ इस तरीके से एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले आप अपने फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने गैलरी से जिस फोटो को आपको एडिट करना है। उसके बाद यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को एड टू VLR यहाँ से आपको कर देना है, यानी कि अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से ऊपर से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको लाइटरूम एप्लीकेशन का एक नोटिफिकेशन शो करेगा नीचे, उस पर आपको एक बार टैप कर देना है। और टैप करते हैं सीधा लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑल फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट में देख सकते हैं फोटो जो है ऐड हो गई है, ठीक है। तो अपने फोटो पर क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और कॉन्ट्रास्ट को आपको इंक्रीज कर लेना है। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर तो प्लस में 10% रख लेना है आपको। और यहाँ से हाईलाइट्स को डिक्रीज करना है। यहाँ से हाईलाइट देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा है हमारे फोटो में, तो हाईलाइट्स को आपको डिक्रीज कर लेना है। यहाँ से -40% रखेंगे। शेडोज को इंक्रीज करेंगे, यहाँ से शेडोज को इंक्रीज करके यहाँ से 12% रखेंगे प्लस में। और व्हाइट्स को यहाँ से आपको डिक्रीज कर लेना है। व्हाइट को डिक्रीज करके यहाँ से -30-31 और ब्लैक्स को भी यहाँ से आपको डिक्रीज कर लेना है -23। इतना करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद यहाँ से आप कलर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेना है। टेम्परेचर को इंक्रीज करके प्लस में 35 रखना है। टेंट को आपको डिक्रीज कर लेना है। टेंट को डिक्रीज करके -10%। वेवरेंस को इंक्रीज कर लेना है सबको। वेवरेंस को इंक्रीज करके प्लस में 20%। उसके बाद यहाँ पे पूरा मिक्स टूल का ऑप्शन मिल जाएगा कॉर्नर में, तो उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो सबसे लास्ट में आपको मेजेंटा और पर्पल कलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाले मेजेंटा कलर को आपको सेलेक्ट करना है। इसका सेचुरेशन को पूरा डिक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से -100। उसके बाद पर्पल कलर आपको सेलेक्ट करके इसका भी सेचुरेशन को पूरा डिक्रीज कर लेना है -100। उसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर और एक्वा कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ब्लू कलर आपको सेलेक्ट करके इसका भी सेचुएशन को पूरा डिक्रीज करके -100 कर देंगे। उसके बाद एक्वा कलर सेलेक्ट करके इसका भी सेचुएशन को पूरा डिक्रीज करके -100 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको येलो और ग्रीन कलर देखने को मिलेंगे। तो ग्रीन कलर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है और इसका सेचुएशन को फुल इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से, और ह्यू को पूरा डिक्रीज करके -100 कर देंगे। और यहाँ से ल्यूमिनियस को थोड़ा सा डिक्रीज करके -12 कर लेते हैं, इतना रख लेना है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको येलो कलर सेलेक्ट करना है। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेचुएशन को पूरा डिक्रीज करके -100% कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से आपको ल्यूमिनियस को थोड़ा सा यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे। ल्यूमिनियस को डिक्रीज करके -10% रख लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारी स्किन की कलर होती है, ठीक है। तो स्किन को यहाँ से आप जो व्हाइट कर सकते हो, तो यहाँ से आपको सेचुएशन को डिक्रीज कर लेना है -32%। और यहाँ से ल्यूमिनस को इंक्रीज कर लेना है, इंक्रीज करके 22% रख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद रेड कलर आपको सेलेक्ट करना है। ये लिप की कलर होती है, ठीक है। यहाँ से आप लिप को जो है रेड कर सकते हो। तो सेचुएशन को यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना है प्लस में 36%। और ल्यूमिनस को यहाँ से आपको डिक्रीज कर लेना है -32। उसके बाद यहाँ से आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। यहाँ पे लाइट का एडजस्टमेंट देख सकते हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे फोटो को आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, हमारी फोटो कितनी मस्त लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इफेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट में आपको आ जाना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से टेक्सचर को आपको इंक्रीज करके प्लस में 10% रख लेना है। और यहाँ से क्लियरिटी को डिक्रीज करके -10%। और डीएज को आपको इंक्रीज करके प्लस में 8% रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बिगनेट देखने को मिलेंगे। तो बिगनेट को डिक्रीज करके आपको -34%। और मिड पॉइंट को यहाँ से डिक्रीज करके 30% रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से फेदर को आपको इंक्रीज कर लेना है। फेदर को इंक्रीज करके 74%। और राउंडनेस को यहाँ से इंक्रीज करके आपको 61% रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। देन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो बिफोर एंड आफ्टर फोटो कितनी मस्त लग रही है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है।
और इस फोटो को एचडी क्वालिटी में सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।